शिवपुरी में रहने वाले ऋषि आयुक्त अपने शिष्यों वीरपाल, प्रेमपाल और धर्मपाल के साथ रहते थे। उन तीनों की गुरु दीक्षा चल रही थी। ऋषि आयुक्त कई वर्षों से एक पुस्तक लिख रहे थे। उस पुस्तक में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी जो किसी भी मनुष्य और राक्षस के लिए बहुत अनमोल ज्ञान था। वीरपाल, मुझे लगता है हमारी इस ज्ञान की पुस्तक को पूरा होने में थोड़ा ही समय शेष बचा है। जी गुरुदेव, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। गुरुजी, जब ये पुस्तक पूर्ण हो जाएगी तो आप ये पुस्तक सबसे पहले किसको देंगे पढ़ने के लिए? हमें देंगे, और किसको देंगे? नहीं धर्मपाल, ये पुस्तक पूर्ण होने के बाद हम चारों बैठकर सरस्वती देवी का आह्वान करेंगे और इस पुस्तक में जितना ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान एक साथ अपने अंदर समाहित करेंगे। मैंने इस पुस्तक में अपने गुरु के गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान और मेरे गुरु द्वारा मुझे दिया गया ज्ञान तथा मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया ज्ञान एकत्र कर रखा है जो बहुत ही अनमोल है। लेकिन अगर इस पुस्तक में लिखा ज्ञान किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो इस सृष्टि के हित में नहीं होगा। ऋषि और उनके शिष्यों की बात वहाँ से गुजर रहे एक बहुत ही बलवान राक्षस चिरंतर ने सुन ली। छू मंतर छू, ये पुस्तक पूरी होते ही कहाँ पाएगा तू? कुछ समय बाद ऋषि आयुक्त और उनके शिष्यों के द्वारा लिखी जा रही पुस्तक पूर्ण होती है। वो सरस्वती देवी का आह्वान करने लगते हैं और पुस्तक का ज्ञान अपने अंदर समाहित करने के लिए हवन करने बैठते हैं। तभी राक्षस चिरंतर वहाँ आ जाता है और गुरु द्वारा लिखी गई पुस्तक को लेकर उड़ जाता है। छू मंतर छू, अब ये पुस्तक कभी नहीं पाएगा तू, आज से ये मेरी हुई। वो पुस्तक को लेकर दूर पहाड़ों पर चला जाता है। गुरुजी, क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस राक्षस को रोकने का? नहीं, हमारे पास अभी इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि ये राक्षस इस पुस्तक में दिए हुए ज्ञान का गलत उपयोग करेगा। गुरुजी, क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? नहीं पुत्र, अभी शायद इसका सही समय नहीं आया है। ऋषि आयुक्त एक तपस्या में लीन हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा भी देते रहते हैं। लेकिन ऋषि आयुक्त हर समय कुछ खोए हुए से और चिंतित दिखाई देते हैं। प्रेमपाल, जब से वो राक्षस चिरंतर पुस्तक ले गया है तब से गुरुजी हमेशा खोए खोए से रहते हैं और भोजन भी ठीक से नहीं करते। तुम सही कह रहे हो वीरपाल, मुझे भी उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। लेकिन जब भी गुरुजी से कुछ पूछने की कोशिश करो तो वो हमेशा बिना कुछ उत्तर दिए वहां से चले जाते हैं। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है। कुछ समय बाद एक दिन वो अपने शिष्य वीरपाल से कहते हैं, वीरपाल, अब तुम्हारी दीक्षा समाप्त हो गई है और साथ ही तुम्हारा गुरुकुल में रहने का समय भी, इसलिए तुम अब वापस अपने घर जा सकते हो। गुरुजी, आपकी गुरु दक्षिणा? मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का सही उपयोग करो और इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, दूसरों में भी बांटना, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वो और अधिक बढ़ता है। लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के मेरा ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम हमारी वो ज्ञान की पुस्तक वापस ले आओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
परंतु गुरुदेव, वीरपाल पुस्तक कैसे वापस लाएगा, क्योंकि वो पुस्तक तो उस दुष्ट राक्षस चिरंतर के पास है और वो राक्षस हमेशा उस पुस्तक को अपने साथ ही रखता है। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे गुरुजी को गुरु दक्षिणा तो देनी ही है, और उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा में वो ज्ञान की पुस्तक मांगी है, इसलिए मैं जाऊंगा उस पुस्तक को लेने। ठीक है वीरपाल, वो राक्षस चिरंतर हिमालय पर रहता है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। तुम हमारा अश्व वायु अपने साथ ले जाओ, लंबे सफर में ये तुम्हारी सहायता करेगा। जी गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। ये तीन मोती भी अपने पास रखो, ये कोई साधारण मोती नहीं है। उस राक्षस से पुस्तक वापस लाने में अगर किसी पल तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम इसमें से एक मोती का प्रयोग करना। वीरपाल गुरु को प्रणाम करके और अपने गुरु मित्रों से विदा लेकर वायु अश्व पर सवार होकर हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ता है। गांव शहर पार करता हुआ वीरपाल हिमालय पर्वत की चोटियों के पास पहुंच जाता है। वहां अपने घोड़े वायु को छोड़कर पैदल ही आगे का रास्ता तय करता है। चलते चलते आखिरकार उसे राक्षस चिरंतर का घर दिखता है, जो एक बड़े राक्षस के मुंह के आकार का होता है। आखिरकार मैं इस चिरंतर के घर तक पहुंच गया, अब मुझे बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वीरपाल राक्षस चिरंतर के घर के अंदर देखता है, जहां वो राक्षस बड़े आराम से सो रहा होता है। तभी वीरपाल की नजर पास में रखी ज्ञान की किताब पर पड़ती है। वो बड़ा खुश हो जाता है। तो यहां रखी है इस राक्षस चिरंतर ने हमारे ज्ञान की किताब। किताब तो इतनी बड़ी है कि मैं इसे उठाकर भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी उसे गुरु के दिए हुए मोती की याद आती है। वो मोती निकालता है और हाथ में लेकर बोलता है, ये किताब आकार में छोटी हो जाए ताकि मैं इसे आसानी से लेकर जा सकूं। मोती किताब पर गिरता है और किताब का आकार बहुत छोटा हो जाता है। वीरपाल राक्षस चिरंतर के घर में जाता है और किताब को लेकर भाग ही रहा होता है कि उसके पैर से वहां पर रखा एक बर्तन गिर जाता है और राक्षस की आँख खुल जाती है। छू मंतर छू, कहां से आया है तू? प्रणाम राक्षस राज, मुझे हिमालय के राजा ने आपके पास उपहार स्वरूप भेजा है। आखिरकार हिमालय राज भी मुझसे डर ही गया। जी राक्षस राज, आपसे कौन नहीं डरता, आप इतने बलवान हैं, आपसे तो सबको डरना चाहिए। छू मंतर छू, लेकिन क्यों नहीं डर रहा है तू? राक्षस राज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े राक्षस चिरंतर के पास उपहार स्वरूप भेजा गया हूँ, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। छू मंतर छू, मेरा पहला उपहार है तू। जी राक्षस राज, आपने सही कहा। छू मंतर छू, मेरा भोजन बनेगा तू। तुझे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तेरे ऊपर थोड़े मसाले डालूं तो तू ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। राक्षस राज, आपका जैसे मन करे आप मुझे वैसे सेवन कीजिए, लेकिन मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ और कई दिनों से नहाया भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं नहा लूं तो मैं आपको और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगूंगा। छू मंतर छू, मुझे बेवकूफ समझता है तू? नहीं नहीं राक्षस राज, मैं तो इतना छोटा हूं कि मैं आपको कैसे बेवकूफ बना पाऊंगा। छू मंतर छू, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है तू,
मैं तुझे एक रस्सी से बांध देता हूँ और तू बाहर बह रही नदी में जाकर नहा ले। तब तक मैं मसाला तैयार करता हूँ। राक्षस चिरंतर बीरपाल की कमर में एक बड़ी सी रस्सी बांध देता है। छू मंत्र छू, अब नदी में जाकर नहा ले तू। जी राक्षस राज, लेकिन मैं आपके सामने कैसे नहाऊंगा? छू मंत्र छू, मैं घर के अंदर जाता हूँ और मेरी बातों का जवाब देता रहेगा तू। बिल्कुल राक्षस राज, जैसा आप कहें। वीरपाल नदी की तरफ बढ़ता है और चिरंतर अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो एक बड़ी सी कढ़ाई में वीरपाल को पकाकर खाने के लिए मसाला तैयार करता है। दूसरी तरफ वीरपाल अपनी कमर में बंधी रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है। छू मंत्र छू, जल्दी से स्वादिष्ट मसाला बन जा तू। जब जब ये राक्षस कोई सवाल करे, तब तक ये पेड़ मेरी आवाज में उसे जवाब देता रहे, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूं। और वो मोती को पेड़ की तरफ हवा में उछाल देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। छू मंत्र छू, और कितना नहाएगा तू? थोड़ा सा और नहा लेता हूँ। वैसे भी ये मेरे जीवन का आखिरी स्नान है, तो मुझे अच्छे से नहाने दीजिए। छू मंत्र छू, ठीक है, जी भर के नहा ले तू। आप कितने दयालु हैं राक्षस राज। बस मैं थोड़ी देर और नहाकर अंदर आता हूँ, आपका स्वादिष्ट भोजन बनने। दूसरी तरफ वीरपाल तेजी से भागते हुए काफी दूर निकल जाता है। छू मंत्र छू, अब बस कर, कितना नहाएगा तू? बस राक्षस राज, थोड़ी देर और। थोड़ी देर करते हुए काफी देर हो जाती है। छू मंत्र छू, अब और नहीं नहाएगा तू? जैसी आपकी आज्ञा राक्षस राज, अभी आता हूँ। छू मंत्र छू, कहाँ है तू? यहाँ हूँ मैं। छू मंत्र छू, मुझे नहीं दिख रहा है तू। यही तो हूँ राक्षस राज, इस तरफ। गुस्से में चिरंतर रस्सी को खींचता हुआ आगे बढ़ता है और देखता है कि रस्सी तो पेड़ से बंधी हुई है। वो गुस्से में रस्सी को खींचता है और पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। छू मंत्र छू, कहाँ छुपेगा तू? मैं तो यही हूँ राक्षस राज। चिरंतर वीरपाल को पकड़ने जाता है और थोड़ी ही देर में वीरपाल के पास पहुंच जाता है। वीरपाल उसे देखते ही पहाड़ों की झाड़ी में छुप जाता है और आखिरी मोती हाथ में लेता है। हिमालय पर्वत पर निवास करने वाले पशु, पक्षी, वृक्ष, झाड़ियाँ, जलवायु, आकाश, आप सब इस राक्षस चिरंतर से बचने में मेरी मदद कीजिए। जब तक मैं यहाँ से भाग न जाऊं, तब तक आप इसे यहीं पर रोक कर रखिए। राक्षस चिरंतर हवा में उड़ता हुआ वीरपाल को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है। छू मंत्र छू, दिखाई नहीं दे रहा है तू? इस बर्फ की आंधी को भी अभी आना था, मुझे अपने घर वापस भागना होगा। राक्षस चिरंतर आगे नहीं जा पाता और अपने घर वापस लौट जाता है। वीरपाल वहां से निकलकर वायु के पास पहुंचता है और उस पर सवार होकर तेजी से आश्रम की ओर निकल पड़ता है। प्रणाम गुरुदेव, मैं वापस आ गया। वीरपाल मेरे शिष्य, तुम वापस आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी गुरुदेव, मैं ठीक भी हूँ और ज्ञान की पुस्तक भी वापस ले आया, ये देखिए। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र वीरपाल। लेकिन एक मुश्किल है गुरुदेव, ये पुस्तक अपने आकार से बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ लाने के लिए आपके दिए हुए मोती का प्रयोग करके इसके आकार को छोटा किया, परंतु अब मेरे पास कोई मोती शेष नहीं बचा है जिससे मैं
इस पुस्तक को फिर से उसके आकार का कर सकूं। इस पुस्तक को बड़ा कैसे करना है वो मुझे आता है। तुम तनिक भी चिंता ना करो। अब तुम जल्दी से ये पुस्तक लेकर आश्रम के अंदर छुप जाओ, क्योंकि इस पुस्तक की तलाश में वो राक्षस चिरंतर अवश्य यहाँ आएगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। छू मंत्र छू, मुझे पता है यहीं छुपा है तू। सत्य कहा तूने चिरंतर, छू मंत्र छू, अब नहीं बचेगा तू। तू खुद को बहुत बड़ा राक्षस राज समझता है ना? मैं खुद वीरपाल को तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले इस बात का सबूत देना होगा कि वाकई में तुम एक बहुत बड़े राक्षस राज हो। छू मंत्र छू, क्या देखना चाहता है तू? अगर तू बहुत बड़ा राक्षस राज है तो अपने आकार को इस आकाश तक बड़ा करके दिखा। छू मंत्र छू, अभी मेरी शक्ति को मन लगा दू। कुछ तो बात है तुझमें, अब तू अपने आकार को एक बीज के बराबर करके दिखा। छू मंत्र छू, मैं बीज के आकार का बन गया, देख ले तू। छू मंत्र छू, अब हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन हो जा तू। कर जैसे ही राक्षस चिरंतर बीज का रूप धारण करता है, वैसे ही गुरु आयुक्त उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह गुरु आयुक्त को उनके ज्ञान की पुस्तक वापस मिल जाती है और वीरपाल अपनी गुरु दक्षिणा देने में सफल हो जाता है।